मॉर्निंग, वेलकम टू V6 न्यूज़, न्यूज़ एज इट इज। राज्य के मुख्यमंत्री श्री YS राजशेखर रेड्डी जब जनता दरबार में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो खराब मौसम के कारण काफी धुंध छाया हुआ था। उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया और उनकी मृत्यु हो गई। पायलट के अलावा उस हेलीकॉप्टर में और भी कई लोग सवार थे जिनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मुख्यमंत्री जी का शरीर टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। वो एक हृदय विदारक दृश्य था। उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री के अलावा देश के कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए और सबने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता ने भी अपने चहेते नेता को भावभीनी विदाई दी। वी आर फ्रॉम CBI। तुमने पॉलिटिशियंस के 45,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर विदेशों में छुपा रखे हैं। पैसे किसके हैं बता दोगे तो छोड़ देंगे। अंजलि, गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेबी, क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ पापा। अच्छे से पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ पापा। फर्स्ट रैंक आएगा? आएगा पापा। अमेरिका जाओगी ना? अमेरिका ही क्यों पापा? अमेरिका में कभी बिजली नहीं जाती, यहाँ पर लोग पान मसाला खाकर थूकते हुए नजर आ जाएंगे रोड पर ही सुसु कर देते हैं। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ एकदम क्लीन है, इसलिए अमेरिका जाएंगे। तो फिर जाएंगे पापा। जी आप आ गए क्या? आजा। रुकिए ना। ले रुक गया, बता क्या बात है? आपके साथ मुझे एक मैटर डिस्कस करना है। लव मैटर है क्या? नहीं, लाइफ मैटर। अभी लाइफ के बारे में पूछ रही है? हाँ पूछ। पुलिस केस बोल रहे थे, CBI बोल रहे थे, मुझे इन बातों से बहुत डर लगता है। आप अच्छे इंसान हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं, बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, जो चाहिए होता है वो ला कर देते हैं। पहले मेरे पास एक भी गहना नहीं था, मेरे पास एक ढंग की साड़ी नहीं थी, बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं होते थे, दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था हमें, फिर भी हम खुश रहते थे। लेकिन अब हमारे पास डायमंड नेकलेस है, डायमंड की चूड़ियां हैं, सब कुछ तो है, लेकिन इतने कम समय में इतना सारा पैसा कैसे कमाया आपने, ये सोच के डर लगता है। ए जी, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? ए, एक टाइम में मैकेनिक था, दो वक्त का खाना नहीं था हमारे पास, और तू समझ रही गलत रास्ता अपनाकर पैसे कमाए मैंने? महालक्ष्मी, मैं कोई किराए का कातिल नहीं हूं, लड़कियों को फुसला के उन्हें दूसरे देश नहीं बेच रहा हूं, मैं नक्सलाइट नहीं हूं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, देशद्रोही भी नहीं हूं, ब्रोकर हूं। ब्रोकर बोले तो लड़कियों का ब्रोकर नहीं, हवाला का ब्रोकर हूं। बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूं मैं, मीडिएटर का काम कर रहा हूं मैं, बड़ी डील सेटल कर रहा हूं मैं, और उन पैसों से तुम और मेरी बेटी अमेरिका जाकर लाइफ लॉन्ग हैप्पीली सेटल हो जाओ, ये कोशिश कर रहा हूं मैं, ये गलत है? बोल, मानती है ना? मानती हूँ जी। गुस्सा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। प्यार है ना मुझसे? कृष्णा, मेरे फ्यूचर के बारे में तो। क्या हो गया तेरे फ्यूचर को? कृष्णा, कब तक ऐसा करते रहोगे? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ या फिर कीप हूँ, पहले मुझसे शादी कर लो। शादी के लिए बोलोगी ना तो आज ही मंदिर में ले जाके मंगलसूत्र बांध दूंगा। Are you serious? Yes, 100% serious. मंगलसूत्र बांध दूंगा, फिर तुम मेरी वाइफ हो जाओगी, और वाइफ बनने के बाद तुम्हारे प्रति मेरा अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्रेज कम हो जाएगा। सच कह रहे हो? Mm-hmm.
इतना जोर से मत दबाओ, नस दुखेगा। ओहो। अरे बाप रे। क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया? प्रेशर ज्यादा नहीं। हे, तुम्हें कभी बैंकॉक में रहने का मौका मिला है? किसी विदेशी के साथ मौका ही नहीं मिला। आपके सहारे पॉलिटिक्स में एंटर करूंगी, उसके बाद मैं भी विदेश चली जाऊंगी। क्या कमाल की बात करती हो, तुम्हारे इन जादुई हाथों की सेवा अगर ऐसे ही मिलती रही ना तो पासपोर्ट बड़ी छोटी चीज है, मैं सीधे वीसा लाकर तुझे दूंगा, प्रॉमिस। ये बता, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? आप मुझे बहुत पसंद हैं जी। अरे ये बात नहीं है, मुझे शुगर है, बीपी है, गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, ठीक से बैठ नहीं पाता हूँ, सारी बॉडी समझो बेकार हो गई है, फिर भी तुम इतना टैलेंट दिखा रही हो, इसके पीछे राज क्या है? हे भगवान, हे भगवान, आप मंत्री है ना जी, तो आपके पास बहुत सारे पावर्स हैं। मैं अपना टैलेंट दिखाकर आपके पावर को यूज करके लाइफ में सेटल हो सकती हूँ। अगर मेरा मंत्री पद चला गया तो? आपका पद गया तो आप भी गए, फिर पोस्ट खाली हो जाएगी, फिर आपकी जगह कोई और आ जाएगा, उसे अपना टैलेंट दिखाकर अपनी लाइफ सेटल कर लूंगी। नमस्ते सर जी। कैसे हो भाई कृष्णा? आपका आशीर्वाद है। जरा उस गोविंद राय से मिल लो, 5 रुपए आए हुए हैं। 5 रुपए? देखो 5 रुपए को चीप मत समझो, ये 5 जो है ना 5 करोड़ है। सर सब कुछ अरेंज करके गोविंद राव से कांटेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ। देखा देखा आपने, वो मुझे इग्नोर करके जा रहा है। क्यों भाई कृष्णा? हाँ सर। क्या है ये, यहाँ आकर मेरी गर्लफ्रेंड को हाय तक नहीं कहा और जाते समय उसे बाय भी नहीं कहा? सर मैं सिर्फ वाइफ को हाय बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर आपके पीछे से जब मैं आपके घर आता हूँ तो आपकी वाइफ मिलती है, मैं कहता हूँ मैडम प्लीज चाय दे दीजिए, मैडम कुछ खाने को है तो खिला दीजिए, तब आपको मेरे और मैडम को लेके कोई शक नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर पीछे से मैं आपके घर आता हूँ और अगर ये मैडम मिलती है, मैं इन्हें हाय बोलता हूँ, इनसे चाय मांगता हूँ, नाश्ता मांगता हूँ, हाय बोलता हूँ, बाय बोलता हूँ, तो आपको शक होगा। दुनिया में सिर्फ 2 ही बातों की वजह से मर्दों के बीच झगड़ा होता है, एक तो पैसों को लेकर और दूसरा लड़की को लेकर। पैसों के बारे में हम लोग एकदम क्लियर हैं, लेकिन लड़की के बारे में हम लोग अगर क्लियर भी हो तो ये लड़कियां क्लियर नहीं रहने देती हैं। चलता हूँ सर। देखा आपने क्या क्या बोलकर मुझे चला गया। उसकी लॉजिक बड़ी फालतू होती है, उसे क्या कर सकते हैं। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे इसमें कोई शक है, अपने वेंकट जी बनेंगे, वो अपने पार्टी के सीनियर हैं, उनके अलावा कौन बनेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। सीनियर मंत्री वेंकट जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनकी पार्टी ने फैसला किया है। सर नमस्ते सर। अरे नायडू सर, तुम यहाँ कैसे, मिनिस्टर के वहाँ काम नहीं कर रहे? वहीं काम कर रहा हूँ सर। अच्छा वहीं कर रहे हो, मार्केट आए। अच्छा मार्केट में आयो, अभी भी बॉम्ब बनाने का और बॉम्ब फेंकने का यही सब काम करते हो? नहीं सर, दूसरों को हथियार घोपने का वैसा कुछ नहीं सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोल रहे राघव, बिजनेस कैसा चल रहा है? सब भगवान की कृपा है सर। यहाँ पर कोई अपार्टमेंट खरीदा है क्या? बस उसी कोशिश में लगा हूँ सर। काम हो जाएगा, तेरे पास दिमाग है? सिर्फ बातें करता है, पान तो खरीदता नहीं। जी साहब, मंत्री जी का अमाउंट आया मेरे पास। कितना साहब? 5,000 करोड़। किस कंट्री में साहब? स्विट्जरलैंड से आया मेरे भाई जी। अच्छा भेज दीजिए। यहाँ नया सीएम आ रहा है ना, इसलिए 4 दिन तक पॉलिटिकल भागदौड़ बनी रहेगी। अमाउंट भेजूंगा तो उसे जल्दी ट्रांसफर मत करना। हाँ ठीक है। हमारे होने वाले मुख्यमंत्री वेंकट जी, मुख्यमंत्री वेंकट जी। नमस्ते, दिस इज सौम्या, वेलकम टू V6 न्यूज, न्यूज एज इट इज। सबने जैसा सोचा था, वेंकट जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब प्रताप रेड्डी जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष के इस निर्णय का विरोध सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब देखते हैं नए सीएम प्रताप रेड्डी जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। हमारे होने वाले मुख्यमंत्री वेंकट जी। भाई मुख्यमंत्री वेंकट जी। रुकिए भाई, भाई आपका तो काम हो गया, वो प्रताप रेड्डी सीएम बन गया भाई। अब आप गोविंदा गोविंदा करते रहिए भाई, गोविंदा। बधाई हो मुख्यमंत्री। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
सब वक्त वक्त की बात है। आप मुख्यमंत्री बने ये हमारा नसीब है भाई, हम सब आपका साथ देंगे। हम सब आपके साथ हैं सर, प्रजा सेवा में आपका साथ देंगे भाई। इट्स ओके, पहले जनता की समस्याओं को अच्छी तरह सुनिए, लोगों के बीच में जाइए, उनको समझिए, उसके बाद आप सब हमारे पास आइए, हम सब मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री सही में ऐसा होना चाहिए। भाई दिल्ली से आए अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रताप रेड्डी जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसा मुख्यमंत्री हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी को जनता की सेवा में मदद करके जनता का हमारी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाओ। ठीक है। लगता है प्रदेश का काफी अच्छा विकास हुआ। नमस्ते सर। नमस्ते नए मुख्यमंत्री जी। ओ आइए गुरु जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। दिल्ली जाकर वहां के लोगों के पांव पकड़कर सीएम बन गए और मेरा आशीर्वाद चाहिए तुम्हें। नमस्ते चटर्जी बाबू। तो फिर मेरे शिष्य को इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया आपने, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप ये बात दिल से कह रहे हैं या दिल में पाप रख के कह रहे हैं? आपकी बातों के अंदाज से तो मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा है वेंकटराव जी। आप तो अंदर तक की बात सुन लेने वाला इंसान है, और नहीं तो क्या, हम बूढ़े हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे, हमारी बातों की वैल्यू नहीं रही, बोलना भी अब तो न बोलने जैसा ही है। सुनिए गुरुजी, मैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एमएलए तो बना, मगर सीएम पोस्ट के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यस, ही इज वेरी क्लियर। पद मिलने के बाद सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, सबको तसल्ली दे दी और सीट पर बैठ गए। ये सब तो आम हो गया है, लोगों से झूठ बोलकर काम निकालना, जनता के सामने उल्टे सीधे वादे कर दो और अपनी सीट हासिल कर लो। वेंकट राव जी बोलिए जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा बोलने के लिए बचाई क्या है चटर्जी बाबू, पार्टी पर विश्वास किया हमने, पार्टी को मजबूत किया हमने, लेकिन हम जैसे सीनियर लीडर को छोड़कर इस जूनियर की तरफदारी कर रहे हैं। वहाँ ऊपर बैठकर आप लोग निर्णय ले लेते हो और यहाँ नीचे हम लोग काम करने वाले अपनी जलाते रहते हैं आपके सामने। युद्ध की भलाई करना गलत बात है। ऐसा बोलने वाले के मुंह पर चप्पल से मारो। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, युद्ध में जोश होता है लेकिन हम में अनुभव होता है। ऑफ कोर्स अनुभव चाहिए, लेकिन अनुभव के साथ ईमानदारी भी चाहिए, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। क्या ये भी गलत है? फिर से आप वही बात कर रहे हैं, आपने इसे पद देकर गलती की, ये किसने कहा? पार्टी ही मेरा सब कुछ है, पार्टी ही मेरा माँ बाप है, और ये भी जान लीजिए कि पार्टी की वजह से ही मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन इस सीनियर आदमी को बिना साथ में रखे आपने निर्णय लिया है, मैं इस बात को गलत ठहरा रहा हूँ। तुम देख क्या रहे हो, इनसे पूछो। वेंकट राव जी, मेरे ख्याल से ये पूछने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। यही सवाल तो मैं, अब ये अच्छा नहीं हो, दो बार मंत्री बन चुका हूँ और राज्य को सेकंड पोजीशन दिलाने वाला मैं ही हूँ, अब इससे ज्यादा क्या अनुभव चाहिए ये तो बता दीजिए मुझे। हाँ हाँ, पदवी में नंबर 2 और करप्शन में नंबर 1, ऊंचे पद पर रहकर आपने गलत रास्ते से कितना बनाया होगा ये तो आपको भी नहीं पता होगा। एक बार जरा दिल्ली तो आ जाइए, पूरी डिटेल के साथ आपकी हिस्ट्री आपके सामने रख दूंगा। आपके ऊपर कितने केस हैं ये आपको पता है क्या? आपको पता है फिर भी आप पूछ रहे हैं, उतना ही क्यों? दिए में जितना घी डाला जाता है ना, एक राजनेता के अंदर भी उतनी ही सच्चाई होती है। अब यही देखिए ना, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक की स्थिति देखिए, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबके बायोडाटा अगर बाहर निकाला तो 75% लोग जेल में मिलेंगे, तो फिर बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा, और अगर बाई इलेक्शन हो गया तो डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा, सही है ना? इसीलिए ऐसे हालात मत पैदा करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप गलत कह रहे हैं गुरुजी, राजनीति का बहुत महान इतिहास रहा है हमारे देश में। इतना ही नहीं, देश का फ्यूचर यूथ के ही हाथों में है, इसीलिए उन्हें एनकरेज करने का फैसला लिया है हमने। क्यों नहीं लीजिएगा सर, जब भी आप दिल्ली से आते हैं तो कुछ ऐसा ही फैसला लेते हैं। टेररिस्ट के जो बम होते हैं ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, और उसकी वजह से हम जैसे लोग जो है ना वो पागल हो जाते हैं। पैसे की थैली आपके सामने लाकर महाप्रभु तेरी महिमा निराली, जो भी आपके सामने ये भजन गाएगा ना, आप उसी को पोस्ट देंगे, हम जानते हैं। आप सीनियर हैं इसीलिए मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए ही पॉलिटिक्स में आया हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। अगर आपकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तुम क्यों दोगे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद ही इस पार्टी से और अपनी पद से इस्तीफा दे देता हूँ। ओके तो दे दो। हाँ ओके। अपनी पार्टी से बहुत लोग चले गए, कुछ लोग वापस भी आ गए, और वहीं कुछ लोगों ने अपनी पार्टी भी बना ली।
और कई नई पार्टीज ने भी हमारे साथ विलय कर लिया। हमारी पार्टी एक महावृक्ष है, कोई भी आंधी या तूफान आने दो, वो ऐसे ही बिना टूटे खड़ी रहेगी। भाई अगर आपका पद गया तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ेगा भाई। जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़वाएगा, खाना पकवाएगा, कूली का काम करवाएगा। आपको बीपी भी है भाई, ऊपर से शुगर भी है, कमर दर्द और पैर दर्द भी। किसी दिन आप निकल लिए तो आपका चैप्टर भी बंद। एक बार सोच लीजिए, मुख्यमंत्री के पद से मंत्री का पद ही अच्छा है। मुख्यमंत्री बन के अच्छा ही काम करना पड़ेगा, और अगर मंत्री बने तो पैसे अंदर भी कर सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं। अगर इनके कहे अनुसार मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरी पोजीशन का क्या होगा? वहाँ मसाज करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। गलत है ये सब, कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेटर है। अब वो क्या है ना सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था बस, कोई सुनेगा तो क्या समझेगा। दरअसल हमारी जो ये पार्टी है ना, मेरी सगी माँ है, तदवी मेरी बीवी है। बीवी को तो जब चाहे बदल सकते हैं, लेकिन सगी माँ को उसे हम कभी नहीं बदल सकते हैं। क्यों भाई? प्रताप रेड्डी कौन है जानते हैं? कौन? कौन? मेरा बेटा है। बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो पिता को जलन नहीं होती, खुशी होती है। इसीलिए प्रताप रेड्डी जी, प्रताप रेड्डी जी जिंदाबाद, प्रताप रेड्डी जी जिंदाबाद। इस पार्टी को छोड़ने की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आप सबसे विनती है कि अब मुझे जाने की आज्ञा दें, दिल्ली मत बुलाइएगा मुझे। प्रताप रेड्डी की लीडरशिप चल, प्रताप रेड्डी की लीडरशिप चल, प्रताप रेड्डी की लीडरशिप चल, चल। मैं प्रताप ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं वेंकट ईश्वर की शपथ लेता हूँ। विधि द्वारा संविधान के प्रति, विधि द्वारा संविधान के प्रति, मैं भारत की प्रभुता और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्विघ्न पालन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना राज्य में मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गुड इवनिंग, मैं हूँ कार्तिका, वी आर बैक इन वी सिक्स क्रॉसफायर। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं हमारे होम मिनिस्टर वेंकट राव जी। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगी। क्यों बेटी, मेरे आते ही स्टूडियो का पावर कट हो गया क्या? दरअसल आपको सीएम पद नहीं मिल पाया इसीलिए। देखो बेटी, महान नेता डॉक्टर राजशेखर रेड्डी जब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तब उनसे दो बार मुख्यमंत्री बनने का चांस मिस हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हो गया? ये अच्छे नेता है तो मिस कैसे हो गया, सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने मन के अंदर ठान लिया, पद यात्रा करके जनता के बीच पहुँचे, खूब मेहनत की और मुख्यमंत्री बन गए। दोबारा भी मुख्यमंत्री बने, जनता के लिए कई अच्छे काम किए उन्होंने और अच्छे लीडर बन गए। इसलिए मरने के बाद भी वो आज जनता के बीच जिंदा हैं। तो इसीलिए ये सॉरी वगैरह बोलना मेरे हिसाब से जरा नहीं कहना आपको। बेकार की बातें हैं। आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा ही सोचता हूँ सर। राजशेखर रेड्डी तो यंग एंड डायनामिक लीडर थे, आपको तो बीपी है, शुगर है और आपकी उम्र भी 70 के ऊपर है। इस उम्र में आपको सीएम बनने का चांस मिलेगा? बेटी मेरी बात का तुम बुरा मत मानना, अपने जो राजशेखर रेड्डी है ना, वो क्या है, बेसिकली एक डॉक्टर है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं। इतना ही क्यों, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनके हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ, वो डरे क्या? उनका दिल कठोर है, इसीलिए अभी तक वो देश की सेवा कर रहे हैं, समझ गए? बात यह है कि स्वास्थ्य और पद का कोई लिंक नहीं होता बेटी, तकदीर है बस और कुछ नहीं। लोगों का कहना है कि आप रिश्वतखोर हैं, आपका क्या कहना है? आप पर रिश्वतखोरी का ठप्पा लग चुका है। जब ठप्पा लग ही चुका है तब और मैं क्या कह सकता हूँ। जनता आपको नहीं पहचान पाई। ऐसा मत कहो, जनता सुन लेगी ना तो मुझे चप्पल से मारेगी। महान लोग ही अच्छे हैं। एक पार्टी वाला ये कहता फिर रहा है कि मेरा 10 करोड़ खर्चा हुआ है, सीधा टीवी में कह रहा है। जो हारा है वो भी कह रहा है कि उसके 4 करोड़ खर्च हो गए हैं। अब एक ही पार्टी के हैं दोनों, मतलब 10 और 4 करोड़ पार्टी के लिए खर्च हुए हैं, पर जनता भी इस पर रिएक्ट नहीं कर रही। अब उनसे बेवकूफ और कौन होगा बताइए? मतलब आप भी ऐसा ही करते हैं? सही कह रही हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो आपको हिसाब देता ना। मैं ऐसा नहीं हूँ बेटी, नीति और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हूँ मैं। मतलब आप एक महान पॉलिटिशियन हैं, है ना? इसमें भी कोई शक है बेटी, नंबर 1। तो आप इतने ग्रेट पॉलिटिशियन हैं तो सीएम क्यों नहीं बन पाए?
बेटी तुमने पॉलिटिक्स में पढ़ाई की होगी और मैं पॉलिटिक्स में जी रहा हूँ। आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें सीएम की सीट किसी को दी नहीं जा सकती, खुद लेनी पड़ती है। तो वेंकट जी फाइनली हमें बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ज्यादा कुछ नहीं है बेटी, पॉलिटिक्स का मतलब है कीचड़ में पांव रख देना। इस पैर को निकालने के लिए दूसरा पैर रखो, दूसरे को निकालने के लिए इस पैर को रखो। इसीलिए जब तक पद नहीं मिलता तब तक मेहनत करनी पड़ती है, और जब पद मिल जाए तो आराम से बैठ जाओ फिर। तो आखिर आप छोड़ेंगे नहीं? अब मैं क्या कहूँ बेटी, जनता को मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। So, नमस्ते, नमस्ते। दोस्तों सी यू टुमारो सेम टाइम। क्या कह रही हो, इंटरव्यू तो खत्म हो गया, फिर से क्यों आना पड़ेगा? सर आप बहुत मजाक किया है। ओह तो दूसरे प्रोग्राम के बारे में? दूसरा प्रोग्राम मैंने कुछ और सोचा। सो देखना जरूर सी यू टुमारो सेम टाइम विद मी कार्तिका इन क्रॉस फायर। मुख्यमंत्री जी इस राज्य में नई नई समस्याएं उपज रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी समस्याएं? इस राज्य में भ्रष्टाचार और जमीन कब्जा करना ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, इन मामलों में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? पूछ रहा है अब क्या स्टेप लोगे? स्टेप नहीं, चप्पल की कटिंग करवा लेगा वो। मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है जनता की सेवा के लिए। मुझसे पूर्व जो मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं, उनके अच्छे कार्यक्रमों को जारी रखते हुए और प्रदेश की जनता का विकास करना ही मेरा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सब यही कहते हैं सर, लेकिन आप क्या कदम उठाने वाले हैं? ऐसा होता रहा होगा लेकिन मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके ये पद मुझे सौंपा है। आई एम वेरी क्लियर, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा। देखिए ना एमएलए बड़ा है ना मुख्यमंत्री, और ना ही कोई मंत्री, जो जनता की भलाई करे वही सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री से बड़ा होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है राष्ट्रपति, और इनके भी ऊपर सर्वोपरि है जनता, और जनसेवा ही हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी इतना कम समय हुआ आपको पार्टी में आए और पार्टी ने आपको मंत्री से डायरेक्ट सीएम बना दिया, इस वजह से आपके सीनियर मंत्री आपसे नाराज तो नहीं होंगे? अगर लोगों की सेवा करने की क्षमता मुझमें है तो मैं करूँगा, अगर कोई नाराज होता है तो नाराज रहे। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जनता को कोऑपरेट करें तो बेहतर होगा। ऐसे ही बोलता रहा ना तो बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। बताइए पार्टी ने मुझे ही मुख्यमंत्री क्यों चुना? क्योंकि मैं ईमानदारी से दिन रात काम करूंगा और जनता के बीच मेरी छवि साफ होगी। मैंने मुख्यमंत्री पद पैसा देकर या फिर चमचागिरी करके हासिल नहीं किया है, बल्कि पार्टी ने इस बार मुझे इसलिए मुख्यमंत्री चुना है क्योंकि पार्टी को मुझ पर भरोसा है और मैं भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अब चुप हो जा यार, कोई सुनेगा तो सच समझेगा। कोई भी नेता जनता से झूठ बोलकर राजनीति में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मेरे पति है ना? लग गया फटका मुझे फिर। जो जनता की भलाई के लिए सोचते हैं वो उनके दिल में रहते हैं, और जो ऐसा नहीं करते इतिहास बन जाते हैं। हाँ थैंक्स। आपके जो मंत्री हैं वो सारे के सारे साफ सुथरे हैं? मैं ये कहूँगा नहीं, और सभी मंत्री अच्छे हैं कहने पर मैं मानूंगा नहीं। राजनीति के साथ साथ ही भ्रष्टाचार की भी शुरुआत हुई। अगर फसल में कीड़ा लग जाए तो पूरे खेत में दवा छिड़कते हैं। अगर करप्शन को जड़ से खत्म करना है तो सिर्फ हमारे करने से नहीं जनता को भी आगे आना होगा। जनता को भी चाहिए कि वो पैसे लेकर वोट न दें, जाति धर्म संप्रदाय पर न जाएं, बल्कि अपना वोट सही उम्मीदवार को दें। और ऐसा करने से जब एक योग्य उम्मीदवार चुनकर आएगा तो राजनीति में भ्रष्टाचार एक सेकंड भी नहीं रहेगा। अंत में जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? पहला भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, दूसरा भय का माहौल मिटाना, और तीसरा प्रदेश के विकास को नए संकल्पों के साथ उचित दिशा देना ही मेरा लक्ष्य है। अगर इस बीच कोई भी आता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यही मेरा इस राज्य की जनता को संदेश है। इतना अच्छा काम करने वाला सीएम ज्यादा दिन तक सीट पर नहीं टिकेगा। जो लोग अपनी नीति को लेकर जिद्दी होते हैं ना उनका अनशन परमानेंट हो जाता है। क्या बात है, क्या बात कही है सीएम जी ने, कितने स्मार्ट है ना ये। कभी आप भी हमारे सीएम जैसी बातें कर लिया करो, कुछ इनसे भी सीखो। क्या हुआ, लगता है उधर भाग कर जाने वाली हो? चीर कर रख दूंगा। जैसा वो बोल रहा है ईमानदारी से रहने को ना तो तुम्हारे पास पहनने के लिए साड़ी ब्लाउज भी नहीं बचेगा। सुनिए ना जी। ए, चुप हो जाओ। बात बात पर एजी सुनो जी कहती हो, उसकी तरह मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरा भी दिल साफ है, मेरे अंदर भी इंसानियत है। अगर मुझे गलत बोलोगी ना तो टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। क्यों होते हो? Thank you.
गुड इवनिंग, मैं हूँ कार्तिका। वी आर बैक, वेलकम टू V6 क्रॉसफायर। आज हमारे शो के गेस्ट हैं अभी अभी चुने गए हमारे नए मुख्यमंत्री प्रताप रेड्डी। तो हम वेलकम करते हैं हमारे नए मुख्यमंत्री जी को। कंग्रेचुलेशन सर। ओह थैंक यू वेरी मच। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। हाई कमांड ने आपको ही क्यों सीएम बनाया? व्हाट्स योर स्पेशलिटी? उन्हें लगा होगा कि इस पद की जिम्मेदारियां मैं अच्छी तरह निभा सकता हूं। पार्टी में आपसे भी कई सीनियर नेता हैं। देखिए, सीनियर ही मंत्री पद के लिए उपयुक्त रहेंगे ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। बहुत सारे लोग राज्य मंत्री के लिए तो चुने गए लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फ्लॉप हो गए। आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि पार्टी लोगों का विश्वास हासिल कर किस तरह से सत्ता में वापसी करे। शायद पार्टी को ऐसा लगा होगा कि लोग मुझ पर भरोसा जता सकते हैं, इसीलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। आप पैसा देकर सीएम बने हैं ऐसा वेंकट जी का कहना है, आप क्या कहेंगे? अब वेंकट जी को ये पोस्ट मिली नहीं तो वो ऐसा कहेंगे ही। इज इट पॉसिबल? मैं आपसे ही ये सवाल करता हूँ, आप मीडिया वालों को जनता को कंफ्यूज करने के सिवा और कोई काम नहीं आता है क्या? आप लोग ऐसी बातों को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ता ये नहीं चाहते थे कि आप सीएम बने। देखिए, पॉलिटिक्स किसी की मर्जी से नहीं चलती, अध्यक्ष जी के फैसले को हम सभी को मानना ही पड़ेगा। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप अपनी मनमानी करते हैं। कहां मनमानी कर रहा हूं? आपकी भी तो बातें सुन ही रहा हूँ, मंत्रियों की क्यों नहीं सुनूंगा? ये सब आपकी मीडिया की बनाई बातें हैं। आपकी पार्टी के बहुत सारे मंत्री कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये भी आपकी मीडिया की ही बनाई बातें हैं। छोटी बातों को आप बड़ा रूप दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मीडिया ने ही दिखाया है, एक फेमस फिल्म एक्टर के घर में शादी पड़ी तो एक हफ्ते से उस शादी में क्या होगा, बहू कौन सी साड़ी पहनेगी, शादी में खाने का मेन्यू क्या होगा, कौन कौन सी मशहूर हस्तियां आएंगी, कौन नहीं आएगा, ये सब बातें कोई बताता है क्या? डू यू थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट? तो फिर वो सब ऐसे ही बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं, जिन्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए उन्हें नहीं देते बल्कि कुछ और ही कहते हैं। तो फिर बिना गलती के मंत्रियों को IAS IPS ऑफिसर्स जेल में क्यों डाल रहे हैं? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। आप कहना चाहते हैं कि पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है? गलती करने के बाद छुपने से ही सारी समस्या पैदा होती है। फॉर एवरी सेक्शन देयर इज एक्सेप्शन, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। घड़े में छेद रहेगा तो लीकेज तो होगी ही, और उसी लीकेज को जनता के सामने लाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। सब्जियां, चावल, दाल, गैस सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल उसका दाम तो आसमान छू रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। आपको वोट देकर कहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? यस, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब तक सारी व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी लोगों को यही लगेगा। मैंने इस पद को अभी अभी संभाला है, जिसकी भी गलती देखूंगा उसे छोड़ूंगा नहीं, सीधा करके ही रहूंगा और इस व्यवस्था को सुधार कर ही दम लूंगा। दिस इज माई अश्योरेंस। आपका अश्योरेंस अगर फेल हो गया तो फिर क्या? देखिए, इसमें फेल पास होने की कोई बात ही नहीं है, मेरी जगह चाहे जो भी आए, बस उसका उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए। तो अब आप क्या करने वाले हैं? कुछ दिन इंतजार कीजिए, फिर देखिए क्या करता हूँ। टॉक लेस वर्क मोर, यही मेरा सिद्धांत है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर स्टूडियो टुडे, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे नए सीएम साहब के साथ हमारी बातचीत। सो सी यू टुमारो सेम टाइम इन क्रॉस फायर विद मी कार्तिका। अंटिल देन कीप वाचिंग V6 न्यूज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रियों, जनता के द्वारा और शिष्टमंडल के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना। आप सबों का मार्गदर्शक मुझे चुनने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा पहला लक्ष्य है जनता की सेवा करना। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन अच्छे कार्यक्रमों की शुरुआत की थी उनको मैं जारी रखते हुए प्रदेश का विकास करना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूँ, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा, वृद्ध नागरिकों को पेंशन, राज्य के किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली की सेवा, छोटे व्यापारियों को व्यापार कर्ज, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए नई योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करना, माइनॉरिटी SC ST और विद्यार्थियों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाना, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाना, राज्य के सभी बेरोजगारों के लिए कम से कम 15 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, साथ ही साथ 104 और 108 को अधिक प्रभावशाली बनाना,
हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन सभी कामों के लिए बहुत अधिक पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे खर्च होंगे, आज की मीटिंग इसी के लिए। मतलब राज्य के पॉकेट की क्या स्थिति है, पुराने मुख्यमंत्री जी ने हमारे नए मुख्यमंत्री जी को बताया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसकी वजह से हमारी कितनी इज्जत जाएगी, ये तो जानते ही हो ना। अब आप यही देख लीजिए ना, सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो अपने स्टाफ को सैलरी दे, और आप है कि अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि आप अपनी प्रॉमिस पूरी करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर साल भर बैठ कर भी नोट छापते रहे ना, और वो सारे पैसे यहाँ लाकर इस राज्य के हवाले कर दे, तो भी नहीं होगा। इसीलिए अनुभव की क्या जरूरत होती है, ये मैंने बताया था। सुन रहे हो, इसे समझाओ जरा। समझ जाएंगे जी। आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। तुम चुप रहो जी, मुझसे पूछ रहा क्या कहना चाहता हूँ। जो भी सुनेगा समझेगा, ये सबकी बातें सुनता है। यूथ, यूथ तो यहाँ पर सभी लोग है ना, उनसे ही पूछो, वही सलाह देंगे तुम्हें। मैं बोलूंगा। ए, तू क्या बोलेगा, तीसरी बार इलेक्शन में जीता है, यूथ बोलता है खुद को। चुप रहे। गवर्नमेंट की जमीन और भी बहुत सी चीजें बेकार पड़ी है। अभी भी कुछ और बेचना है क्या? रिंग रोड से शमशाबाद तक सब कुछ बेचकर खा गया ये। हम कुछ कम है, हम भी तो बहुत कुछ बेचकर खा गए हैं। बार हो या क्लब हो, हर जगह कैबरे डांस। अगर हमने इसके लिए आधी रात तक परमिशन दे दी, और क्रिकेट बेटिंग को भी हमने लीगल कर दिया, और अगर हर गली में वाइन शॉप खुल जाए तो पैसा ही पैसा। सिटी में सब कुछ इसी का है, और कितना कमाएगा ये? गली में एक वाइन शॉप होने की वजह से औरतों के साथ गलत हो रहा है। अगर 10 वाइन शॉप हो गए तो सोचिए यहाँ का क्या होगा। आप ही बताइए मुख्यमंत्री जी, क्या आपको इनकी बात सही लग रही है? ऐसा काम करेंगे तो पूरा राज्य ही बर्बाद हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए? महिला मंत्री होने के नाते उनकी तरफ से मेरी आपसे ये गुजारिश है। राज्य में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, हर तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर एसिड अटैक हो रहा है। ये सब रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाना होगा। उनके लिए 50% रिजर्वेशन रखेंगे तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं। और अगर औरतें आगे बढ़ेंगी तो उनमें खुद अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से लड़ने की हिम्मत आएगी। वो किसी के आगे झुकेगी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये औरतें किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। अपने राष्ट्र के हित के लिए औरतें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। देखो भाई, तुमने पूछा तो नहीं है, फिर भी सीनियर होने के नाते तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूं। आज की तारीख में हमारे राज्य की स्थिति भी ठीक उसी तरह से है जैसे छेद वाले मटके में पानी डाल दिया जाए। अब मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि सारी सब्सिडी खत्म कर दी जाए, फ्री रीइन्वेस्टमेंट को खत्म कर दो, फ्री में घर बनाने के लिए पैसा मत दो, महिलाओं के लिए हर तरह के ब्याज को हटा दो, 104, 108 की सेवा बंद कर दो, जितने फ्री ट्रीटमेंट है सब बंद कर दो। एक बात पूछना चाहता हूँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने जो कुछ किया उसका हिसाब किसी ने मांगा हो? हम ही हैं जो माइक पकड़कर चिल्लाते रहते हैं, ये देंगे वो देंगे, वादा करते हैं, इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी हालत खराब है। तो अब आप उनसे कहिए कि हम जो आपको देंगे उसके बदले में आने वाले इलेक्शन में आप हमें वोट देंगे, इस बात की गारंटी हमें दे सकते हैं क्या? इसीलिए सब कुछ हटा दीजिए। बुजुर्ग हो गए हैं, पुराने जमाने की तरह सोचते हैं ये। अगर इनकी बात कोई सुने ना तो वोट देने के लिए कोई भी बूथ पे नहीं आएगा। सीएम जी, अगर आपके मन में कुछ है तो उसे कहिए, हम सब उसे सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे। जनता को बर्बाद करने वाला कोई काम हम नहीं करेंगे। अगर ऐसे आउटडेटेड सीनियर की बात हम सुनेंगे ना तो सर पे तबला बजेगा। वो क्या है, नए जमाने के हिसाब से चलो, यूथ क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं वैसा। ये है हमारे यूथ, 8 बार हारने के बाद पहली बार जीते हैं। अरे कम से कम जीता तो। RTC का 4000 करोड़ रुपए बाकी है, वो आ गया तो वो हमें 270 करोड़ रुपए ब्याज देंगे। अगर इस RTC को भी प्राइवेट बना देंगे तो हमारा वजन भी कम होगा और हमारा खजाना भी बढ़ेगा और तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम भी कम हो जाएगा। यस, यू आर राइट। ये सरकार जनता की सेवा के लिए ही आई है, अपने खजाने भरने नहीं। योजनाओं को पूरा करने में अगर ये कहो कि पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं मान नहीं सकता। होता ये है कि सरकार पैसा तो रिलीज करती है प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन कुछ बिचौलिए और चोर उसे पहुंचने नहीं देते। विभागों के ऑफिस में जैसे ही किसी नई योजना का टेंडर पास होता है, लाइसेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रोजेक्ट हो, सब अपनों को देने के बाद पैसा कमाने की सूरतें पैदा की जाती हैं, और यही सच है। इतना ही क्यों,
घर की जमीनें, खेत की जमीनें बेनामी रजिस्टर करवाई जाती हैं और इस काम में जो स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है उसमें भी कमीशन खाया जाता है। स्टेट के सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ही हमारे आय के मुख्य स्रोत हैं जिनसे विकास होता है। अगर हम सख्ती के साथ ईमानदारी से इन सभी टैक्स को वसूल करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने उद्देश्य में आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। और इन सब के लिए मैंने एक निर्णय लिया है, जहां कहीं भी टैक्स की चोरी हो रही है और ब्लैक मनी को छुपाया गया है उसका सही सही पता लगाकर पकड़ने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स ABMF नाम की संस्था का तुरंत ही गठन करना चाहता हूँ। भाई अभी ये क्या है? मैं कैसे बताऊं? अरे कुछ तो सोचने का काम करो ना। इस फोर्स को पूरा अधिकार होगा कि अगर भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो, IAS हो, IPS हो या फिर राज्य का कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसे वो बिल्कुल भी ना बख्शे। इस टीम का कंट्रोल दिल्ली में रहेगा, जिससे इस टीम पर किसी का भी दबाव नहीं रहेगा। सिर्फ CBI के अंडर में ये टीम दिन रात काम करेगी, जिसे सिर्फ दो लोगों को जवाब देना होगा, स्टेट के गवर्नर को या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री जी को। माननीय CM महोदय, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जनता में हमारा और विश्वास बढ़ेगा और आगे के चुनाव में हमें इन सबका फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? फिर आपकी गवर्नमेंट बनेगी क्या? वहाँ ऊपर एक से एक पंगा लेकर यहाँ जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब जनता को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है वेंकट जी, बल्कि हम ऐसा इसलिए करेंगे कि जनता को उनका हक मिल सके। मुझे आज भी याद है जब मैंने पिछले दिनों जनता की तकलीफों समस्याओं को जानने के लिए पूरे प्रदेश में 114 किलोमीटर की पदयात्रा की थी तो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हमें पता चला था कि लोगों को किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। फिर मैंने लोगों से ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनी हम जनता को उसका अधिकार दिलाएंगे, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे, जनता के भरोसे को जीतकर उनके अभिमान को बढ़ाकर जनता को उसका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे वेंकट जी। इसीलिए मैं यहाँ आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा ही। अच्छा, निस्वार्थ भावना से काम करके जनता का विश्वास हासिल करेंगे, जो भी पैसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिलने वाले हैं उन्हें ईमानदारी से वसूलेंगे, काले धन के रूप में जो भी धन लोगों ने जमा किए हैं उन्हें बाहर निकालेंगे और इस तरह से हम अपने प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में लाकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। बहुत बढ़िया संकल्प, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। सर, मिस्टर बाबजी मोहन जी आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ बताया नहीं मैडम, बोले अर्जेंट है। अंदर भेजो। ठीक है सर। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। नमस्कार सर। क्या हुआ, इतनी रात के वक्त यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं नेताजी, बस थोड़ी आपसे पर्सनल बात करनी थी। हेलो, वहाँ वहाँ। रात के टाइम में इतने घबराए हुए हो, बताओ क्या बात हो गई? आप CM बनेंगे सोचकर मेरा सारा काम बिगड़ गया। वो CM तो बड़ा बुद्धिमान है, बहुत सारे नियम बना दिए। IAS को, IPS को, हम मंत्रियों को भी नहीं छोड़ेगा भाई, सबको अंदर डाल देगा। भ्रष्टाचार का अंत करेगा, उसने प्रॉमिस किया है। बिल्कुल सही। अपोजिशन वालों की नींद उड़ गई है नेताजी। नेताजी, अगर उसने हमें भी अंदर डाल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? बताइए। जेल की थाली में खाओगे? अरे जो करना छोड़िए। अरे कुछ इलेक्शन खर्चे के लिए, वोट खरीदने के लिए, चार फैमिली पालने के लिए। आपकी चार फैमिली है? ऑफिशियल। आप मत बोलिए, फ्लोट उठ जाता है मेरा। इधर उधर करके जो दो चार पैसे मैंने कमाए हैं, अरे अपने नए CM जो नीति नियम बना रहे हैं वो भी चले जाएंगे, उसका क्या करें? बात कहे भाई, आपने विदेश में जो अकाउंट खोल रखा है ना, उसमें हमारा पैसा भी डलवा देते तो हम लोग भी सेफ हो जाते भाई। डार्लिंग, कितने पैसे होंगे उस अकाउंट में? क्यों, तू भी उधर जम करेगी? जनरल नॉलेज। स्विस बैंक में क्यों जाना है, मेरे पास इतनी जगह है ना, मैं छिपा कर रखूंगी। सुनो पिए। सर, कृष्णा को फोन लगाओ। सर, इस टाइम पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा सर, अगर फोन किया तो गुस्सा हो जाएगा सर वो। क्यों, मैं भी तो उनकी गर्लफ्रेंड होकर डिस्कशन कर रही हूँ। जाओ फोन करो उसे। हेलो सर, मैं मंत्री का PA बोल रहा हूँ सर। क्या बात है सर? कुछ अर्जेंट काम है, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं। अबे अकल के दुश्मन हो क्या? जब वाइफ के साथ रहता हूँ तो फोन नहीं करते हो, गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ तो फोन करते हो।
तुम लोगों का ये कौन सा तरीका है? सर बाप जी और मोहन जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, आपके जैसे वो भी अपना अर्जेंट काम छोड़ के आए हैं। वो भी इस उम्र में ऐसा काम करते हैं, उन्हें क्या जरूरत है, बुढ़ापे में तकलीफ हो जाएगी। कैसे भी आ जाइए ना सर, नहीं तो मुझे रात भर फोन करवाते रहेंगे, घर में बीवी वेट कर रही है, प्लीज आ जाइए ना सर। सुनो भाई, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जितना जल्दी हो सके सबको अपनी तरफ खींच लो। ठीक है भाई, मैं ऑलरेडी बहुत सारे एमएलए से बात करके रखा हूँ, अब तुम जिन्हें जानते हो उनसे बात कर लो, अच्छी तरह से अटेम्प्ट करो और अपनी तरफ खींच लो। ट्राई करेंगे भाई। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर, यहाँ बैठे सभी को नमस्कार करता हूँ। चाय पियोगे क्या? नमस्ते। नहीं सर, बताइए क्यों बुलाए? कुछ नहीं कृष्णा, इन दोनों को तुम जानते हो ना, कैबिनेट मिनिस्टर बनकर इन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए हैं, ज्यादा नहीं लगभग 5 रुपए होंगे। अब आजकल राज्य में सीबीआई का लफड़ा वगैरह चल रहा है ना, इसलिए 500 करोड़ स्विस बैंक में जमा करने को कह रहे हैं ये दोनों। और मेरे घर में कृष्णा, हाँ? उस बैंक में हमारा पैसा सेफ रहेगा ना? कृष्णा, उस बैंक में हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा तो भी चलेगा। जिस तरह से किसी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार करने के बाद आप उसे पैसा पूछोगे, ये ठीक वैसा ही है जैसे चोरी किए हुए पैसे का ब्याज मांगना। अरे वाह, कुछ सीखो इनसे। हाँ, यूथ यूथ करके उनके पास चली जाओ, फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बहुत हो गया, क्यों भाई ब्याज चाहिए क्या? क्या भाई, कुछ तो इलेक्शन का खर्चा निकलेगा। तो फिर एक काम करो कृष्णा, वहाँ जुबली हिल वाले बैंक में डाल दो, अच्छा ब्याज मिल जाएगा। डाल दूं क्या? वहाँ खतरा है भाई, वहाँ तो सीबीआई वाले रेड कर देंगे। इसलिए तो कहा मेरा घर बेस्ट ऑप्शन है। हाँ सही कहा है उसने, इसके घर में ही रख दो, मैं जानता हूँ वहाँ सेफ रहेगा। एक बात जान लो, स्विस बैंक और इसका घर एक जैसे है। सर इन दोनों से फाइनली पूछ लो कि पैसा हवाला बैंक में डालना है या फिर लोकल बैंक में डालना है। हवाला, हवाला, हवाला। सर इन लोगों का पैसे कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको फोन करके बताऊंगा, चलता हूँ। हाथ लगाया तो मार डालूंगा। हेलो अंजन भाई, मिनिस्टर्स बाप जी और मोहन जी का पता है ना तुम्हें? हाँ मालूम है साहब। कल वो लोग 500 करोड़ देंगे, हैंडल कर लेना। हो जाएगा साहब। उस अमाउंट को एम्बुलेंस से मुंबई ले जाकर मस्तान भाई को हैंडओवर कर देना। हाँ पैसे एम्बुलेंस में ही लेकर जाना, मैंने पुलिस से बात कर ली है, चेक पोस्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके साहब, बाय। सर इंटेलिजेंस ऑफिस से फोन आया। हेलो, यस, व्हाट? 500 करोड़? जल्दी से पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो, सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो, किसी भी हालत में अपराधी अपने प्रदेश के बॉर्डर को छोड़कर बाहर न जाने पाए। भाई अपना पैसा सुरक्षित पहुंच जाएगा ना? नेताजी इसको उसको डुबा कर कमाया हुआ पैसा है नेताजी। ए, अपना मुंह बंद रखो तुम लोग, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। पुलिस, आपके लिए फोन है,
अपल राजा। प्रॉब्लम हो गई है सर, पुलिस पीछे पड़ी है सर। ओए, तू टेंशन मत ले ज्यादा, किसी तरह का रिस्क मत ले। वो रोकेंगे तो रुक जाना, उन्हें मिल जाएगा तो मिलने दो, पैसा मांगेंगे तो दे दो। इसके अलावा अगर पुलिस इंटरोगेशन में डिटेल पूछेगी तो बोल देना, माफ कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, ये पैसा मुख्यमंत्री जी का है बस। नेताजी, हमारे पैसे को मुख्यमंत्री का पैसा क्यों बोल रहे नेताजी? तुम्हारा पैसा बोलूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये क्या भाई, आपके ऊपर भरोसा करके हम अपना पैसा लेके आए और आप जेल का डर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, कहा था ना मेरा घर ही बेस्ट ऑप्शन है। तेरा बाप बोलता तो सुनता, खाली पॉकेट की बात मैंने सुन ली। अच्छा हुआ सब चला गया, सब चला गया। आजकल के जेल्स ना 5-स्टार होटल की तरह होते हैं। तुम दोनों तो मंत्री हो ना, तुम्हें सेपरेट सेल मिल सकता है, एसी भी, जो मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें, गेम खेल सकते हो, कुश्ती लड़ सकते हो, ऐसे वैसे कोई शौक हो तो वो भी पूरे हो जाएंगे। सही है नेताजी, आपका दिमाग पुराना जरूर है लेकिन ओल्ड इज गुड नेताजी। अगर जेल इतना अच्छा है तो आप भी जेल चले जाइए ना, और आपके साथ मैं भी आ जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओगी मेरे लिए या वीआईपी लोगों के लिए? अरे ये क्या भाई, हम लोग यहाँ इतने टेंशन में हैं और आप मजाक कर रहे हैं। और नहीं तो क्या करूं, तुम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ का सीएम बन जाऊंगा ना, तुम्हें फाइनेंस का और तुम्हें रिवेन्यू का मिनिस्टर बना दूंगा। सुनिए जी, मुझे डिप्यूटी सीएम बनाएंगे। ठीक है, और फिर ये 500 कौन सी बड़ी चीज है, हम 5,000 करोड़ लूट सकते हैं। आपने एकदम सही बोला भाई, एकदम सही बोला। रुको 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 रुको, क्या कर रहे, रुक जा। अरे क्या, गेट खोलो, खोलो, लॉक खोल, मुझे और हे सत्सर बता, किसका पैसा है ये बता सर, मुझे मुझे ये ब्लैक मनी है, गलत पैसा है, किसका है बताओ। मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। ये किसका है बता दे, तुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे ना। सच बोलेगा तो बच जाएगा। मुख्यमंत्री जी का है सर। मुख्यमंत्री जी ने खुद आपसे ये कहा? मेरा उसे कोई संबंध नहीं। कहां लेकर जा रहे हो? मुंबई में जुहू बीच के पास में मस्तान को हैंडओवर करने को बोला था सर। मेरा उसे कोई संबंध नहीं है, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं जानता हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। नमस्ते, वेलकम टू V6 न्यूज, दिस इज सौम्या। पकड़ा जाने वाला हवाला का पैसा सीएम साहब का है, ये सुनकर पार्टी वाले शॉक में हैं और लोगों में इस बात का गुस्सा है। सीएम साहब का कहना है कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है, इस साजिश में उनकी ही पार्टी के किसी मंत्री का हाथ हो सकता है, ऐसा सीएम साहब का कहना है। ये उन्हें सीएम पद से हटाने का प्लान है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कि सीएम साहब ने 500 करोड़ रूपए खाए हैं? किसने कहा आपसे? आपने राज्य के दामोदर संजय जी ने मुख्यमंत्री जैसा किया है, करप्शन क्या है उन्हें पता नहीं। कोटला के विजय भास्कर रेड्डी ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री जैसा किया है, उनके ऊपर 1 रुपए का भी करप्शन चार्ज नहीं है। अब परसों की ही बात है, महान एक्टर नंदमूरी तारक रामाराव जी ने मुख्यमंत्री जैसा किया है, बीए तक पढ़े हैं, करप्शन की स्पेलिंग तक नहीं आती। लेकिन सर अब तो आप पकड़े गए। अगर पकड़ा गया तो मुझे जेल में होना चाहिए, आप सबके सामने क्यों? हमारे नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए हुए अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए, 500 करोड़ के मालिक हो गए, रिश्वत लेते हुए उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा है। सर 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 सर, आप नहीं सर, आपका एम्बुलेंस ड्राइवर सर। एम्बुलेंस ड्राइवर? एम्बुलेंस मेरी है क्या? मेरे नाम पर रजिस्टर है वो। वो ड्राइवर वो पैसे आप ही के हैं? हाँ मेरे ही है, मैं भी कहता हूँ मेरे है। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने भी बहुत सारी गलत न्यूज दिखाकर करोड़ों रुपए कमाए हैं, आप भी करप्ट हैं, ये चैनल वाले भी करप्ट हैं। आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बनाओगे क्या, वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए? व्हाट इज दिस, जो हकीकत है उसे सामने क्यों नहीं लाते? दिल्ली में महानुभव अन्ना हजारे जी, इन्हें हर कोई जानता है, करप्शन के खिलाफ अनशन करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री करप्शन को बढ़ावा देते फिर रहे हैं, ये बात मीडिया के सामने मैं साफ साफ कह रहा हूँ। इस तरह के लोगों को फांसी नहीं, जेल भी नहीं, पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपका क्या सोचना है सर, इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे सर?
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। कितने सीनियर्स को दरकिनार कर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसे लोग क्या मुझे आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे? अभी तो और आरोप लगने हैं मेरे ऊपर। राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी पार्टी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। आप सभी पत्रकारों को मेरा प्रणाम। क्या बात है जी, यही तो अपनी बात सर। तो आप इस्तीफा देंगे सर? अरे मैं क्यों इस्तीफा देने लगा? इस्तीफा देने का मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। अगर कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा मांगेंगे? अगर किसी टेररिस्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट किया तो होम मिनिस्टर से रिजाइन मांगेंगे? हॉस्पिटल में अगर एक छोटा बच्चा मर गया तो पूरी गवर्नमेंट फेल हो गई? जरा आप लोग सोचिए कि ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप। मैं इन सवालों का क्या जवाब दूं समझ नहीं पा रहा। अब हमारा नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? और कौन बनेगा जी, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री ये हैं और मैं ब्यूटी सीएम। उप मुख्यमंत्री बोलो। हाँ वही वही, उप मुख्यमंत्री। सर मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या फैसला लेंगे? यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन। मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ। सीबीआई को इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया है। वो पैसा किसका है, किसने ये प्लान बनाया है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। अगर ये मैं हूँ और ये प्रूफ हो जाएगा तो आप सबको बुलाकर मैं आपके सामने रिजाइन कर दूंगा। थैंक यू। ओके ना, थैंक यू। सब ऐसा कह रहे हैं कि सीएम साहब ने 500 करोड़ रुपए खाए हैं। वो ड्राइवर, वो पैसे आप ही के हैं। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे सर? तो आप इस्तीफा देंगे सर? नमस्ते, वेलकम टू V6 न्यूज, दिस इज सौम्या। एम्बुलेंस से बरामद पैसा सीएम साहब का ही है, ऐसा पार्टी के अन्य मंत्री और ऑपोजिशन के मंत्रियों का भी कहना है। छे। हेलो, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। आज नाम से पहले मुख्यमंत्री नहीं लगाया? बोलने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। इस समय मेरी परिस्थितियाँ काफी खराब हैं, इसलिए फोन करना पड़ा। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो, मैं क्या सोचता हूँ और क्या करता हूँ। अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ही मैंने तुम्हें फोन किया है। 500 करोड़ का गफला किया है, इसी बात की परेशानी है, है ना? तुम भी यही बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलूंगा, अरे भाई तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे क्यों छिपा रहे हो? और कैसे छिपेगी, सभी चैनल्स में तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, तुम्हारी आवाज में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार इंसान हो। हाँ। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अरे तुम क्या देख लोगे मेरे भाई, टेररिस्ट लोग बॉम्ब और गन लेकर आते हैं, सब जानते हैं कि वो क्या करने वाले, लेकिन ये राजनेता लोग बिस्तर के नीचे सांप के जैसे होते हैं। ये कब क्या करेंगे, कब किसी को काट लेंगे, ये भगवान भी नहीं जानता है। मेरे ऊपर इल्जाम लगा है इसका मुझे दुख नहीं है। जनता का हजारों करोड़ रुपया विदेशों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। चिंता तो इस बात की है कि ऐसे में इस देश का क्या होगा, राज्य में चल रहे योजनाओं का क्या करेंगे। नो, आई वोंट अलाउ दिस। जनता का पैसा उसी के पास होना चाहिए। मैं अपने राज्य को खुशहाल राज्य बनाना चाहता हूँ, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को हर खुशी देना चाहता हूँ। आई नीड योर हेल्प। ठीक है, इस केस को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल ऑफिसर को भेजता हूँ।
सर नमस्ते सर। क्यों राघव कैसा अच्छा है? अच्छा हूँ सर। मेरी तरफ से खाइए सर। क्या ये? बहुत अच्छा है कलकत्ता सर। ये सब मैं नहीं खाता हूँ, तू ही खा ले। और ये रख ले। थैंक्स सर। ठीक है सर, बदल कैसे गया? नमस्ते सर। बोलो यार कृष्णा। अंजन अप्पा की वाइफ ने फोन किया था, बोल रही थी कि फैमिली मेंटेनेंस प्रॉब्लम है सर। हाँ वो तो है भाई, आखिर उसका पति हमारे लिए जेल गया है ना, उसे जितना चाहिए भेज दो उसे। हाँ? पर एक बात है कृष्णा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। कैसा डाउट सर? अगर इंटरोगेशन के समय उसके सिर पर पिस्तौल रख दी उन्होंने तो वो सब बक तो नहीं देगा ना सर। इंटरोगेशन में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो तब भी यही कहेगा कि ये पैसा मुख्यमंत्री का है। क्या बात कही है कृष्णा। उसे जितना चाहिए ना उतना भेज दो उसे। पब्लिक टेलीफोन बूथ पर इनकमिंग कॉल कैसे आ सकती है? हेलो। नाइस ड्रेस सेंस। वर्ल्ड फेमस वर्सेच ब्लेजर, मैचिंग इटालियन डिसोनी शूज, गुड कॉम्बिनेशन। कौन बोल रहा है भाई? तुम्हारा बेहद नजदीकी। कितना नजदीक है बे? फेस टू फेस है, लिप टू लिप है, या किस टू किस है? कितना नजदीक है? यस मिस्टर कृष्णकांत, तुम्हारा नाम ही नहीं एड्रेस भी जानता हूं। नंबर 10 क्लासिक एनक्लेव, फ्लैट नंबर 214, जुबली हिल्स, हैदराबाद, 5,34,000। थोड़ी देर बाद और बहुत कुछ पता चलेगा पप्पू। पप्पू क्या है बे? क्या ये पप्पू? मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, या मसूर की दाल है? प्यार से दिए हुए नाम पर कमेंट नहीं करते पप्पू, वरना मैं याद करवाऊंगा कि तुम्हें और कौन कौन पप्पू कह के बुलाते हैं। मोबाइल तो तुम्हारे पास भी है ना पप्पू, फिर पब्लिक बूथ से क्यों कॉल करते हो? इसलिए ना, क्योंकि पर्सनल बातें पब्लिक को ना पता चले, इसलिए पब्लिक बूथ बहुत सेफ है ना पप्पू। ए, कौन है बे? कौन है तू? ए, बाहर निकल। किधर है तू? बाहर निकल, कहाँ है तू? हिम्मत है तो बाहर आना, दूर छिपके क्या बैठा है? शूट कर दूंगा तुझे। फोन पे क्या होशियारी दिखा रहा है? बाहर आ, मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रहा है? आजा सामने पप्पू। अबे चुप कर, क्या पप्पू पप्पू बोल रहा है तू? कहाँ है ये पता लग गया ना तो वहीं आके ठोक डालूंगा। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लगेगी। फोन पे धमकी देता है, मुझे क्या समझा तूने? अबे ब्रेनलेस फेलो, तू फोन रखेगा तो तेरे लिए ही खतरा है। तुझ पर किसी ऑर्डिनरी कैमरे से नजर नहीं रखी जा रही, इट्स अ हाईली मैग्नीफाइड टेलीस्कोप। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है पता है? पैरेट M107 कैलिबर 50 टैक्टिकल स्कोप स्नाइपर राइफल। मेरा निशाना तेरे दिमाग पर है, जैसे तू फोन रखेगा बुलेट रिलीज कर दूंगा। अरे बाप रे बाप, राइफल से मेरे ऊपर निशाना लगा रखा है, सीधा बुलेट से मुझे शूट करेगा तू? और तेरा निशाना इतना पक्का है कि सीधा दिल में बुलेट लगेगी? कान खोल के सुन ले, तेरी इतनी भी औकात नहीं कि मेरा बाल बांका कर सके। तुझ जैसे ब्लैक बेलर में अपनी दाढ़ी में रख के चलता हूँ। वैसे भी तेरी बातों से साफ पता लग रहा है कि तू कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे धमकी देता है। फोन मत रखना, फोन मत रखना। अरे अरे अरे, क्या हुआ? ये गोली कहाँ से चली? गोली चली क्या? हाँ? अरे ये क्या हुआ? अरे लग गई क्या उनको? अरे अरे भागो, अरे भागो, भागो, गोली चल गई। भागो यहाँ से, भागो भागो, गोली चली है, भागो जल्दी जल्दी करो। अरे जल्दी चलो। अब फोन रखने की कोशिश भी की तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, वेरी मच अंडरस्टैंड, गुड बॉय। एक्सक्यूज मी सर, मुझे मारने के लिए आपको किसी ने पैसा दिया है क्या? आर यू ए प्रोफेशनल किलर?
मैटर कितना सीरियस है ये तुझे पता चल गया ना पप्पू, दैट इज व्हाट आई वांट। तुझे भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अबे अगर मर्द का बच्चा है ना तो सामने आ, क्या कायरों की तरह छिपके वार कर रहा है? सामने आना, मर्द है तो निकल बाहर, फेस टू फेस आ जा। ये तो मुझे मार डालेगा। पागलपन मत कर पप्पू, मरना है क्या तुझे? छी, अरे मेरी आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी है रे। पप्पू ये सब क्या हरकतें कर रहा है? शिट नहीं चलेगा, निकलता हुआ ब्लड तो थोड़ी देर में रुक जाएगा लेकिन वो बुलेट अगर मिस होकर नाक पर लगी तो क्या होगा? वो मैंने ही मिस कर दी। अगर डाउट है तो तेरे सिर के कौन से बाल को शूट करूं ये बता दे पप्पू। नहीं, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे ही पीछे पड़े हुए हो? मैंने ऐसा कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया? सीबीआई ऑफिसर को तूने ही मारा है ना? सीबीआई वाले को मैं क्यों मारूंगा भाई? अच्छे से याद कर। मुझे याद है भाई, पर मैंने नहीं मारा। सडनली हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और दी ग्रेट राजशेखर रेड्डी की उस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें मेरी क्या गलती है? पर एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, उसमें जान चली गई उनकी। बस इतनी उम्र लिखी थी, वो भूल जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। जान की कीमत बस 10 लाख रुपए पप्पू? 1 घंटे से तुझ पर निशाना ताना है। इस राइफल की कीमत 50 लाख रुपए है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम उसके बदले में मुझसे 50 लाख ले लो, 50 लाख में तो काम हो ही जाएगा ना? पप्पू गलत कर रहा है तू। पर मैंने क्या गलत किया है? फोन नीचे रख दे पप्पू। गलत मत समझो, घर पे लेट पहुंचूंगा, बस यही SMS अपनी बीवी को कर रहा था। फोन स्विच ऑफ कर दे। दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए। सर 2 मिनट बाहर ही रुको, फोन पे बात कर रहा हूँ, प्लीज। ओके सर। मेरी बात सुनो, मैं 50 लाख नहीं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। तुम एक बार यस बोल दो तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। भाई साहब। अरे यार अर्जेंट बात कर रहा हूँ ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ओके ओके। अरे बोलो भी, मुझे आगे बहुत काम है, बहुत काम अटके हुए मेरे। तुम्हें कितना चाहिए ये बोलो ना। अरे तुझे नजर नहीं आता है क्या, बार बार दरवाजा क्यों ठोक रहा है? दिख रहा है ना, बात कर रहा हूँ और मेरी बात लंबी चलेगी। तुझे बात करनी, दूसरे बूथ पे जा। अरे बोलो ना तुम्हें कितना चाहिए यार, जल्दी। पब्लिक बूथ को बाप का फोन समझ रखा है क्या? पहले फोन रख। दोबारा आया तो मार डालूंगा। ये कैसा पनिशमेंट दे रखा है यार? यस नहीं बोलता है, नो नहीं बोलता है, फोन नहीं रखना ये बोलता है, ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? मेरे को धक्का मारेगा? एक से 10 तक गिनती गिनूंगा, फोन रख के बाहर आ जा चुपचाप, वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा मैं। अबे खिलौने नहीं, गन अंदर रख। स्टार्ट कर रहा हूँ। एक। अब ये बीच में कैसा तीतर आ गया, 1-2 करके काउंटडाउन शुरू कर रहा है। 2। क्या है बे 2? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो फिर क्या करेगा? बुलेट मिस होकर सोच रहा सिर्फ तेरे कान पे लगाना, जान बूझ कर मिस किया मैंने। ओ भाई ये क्या, ये तो सेम टू सेम डायलॉग बोल रहा है, ये डेफिनेटली आपका ही आदमी होगा। 4, 5। अबे कौन है ये जो इतनी जल्दी जल्दी गिनती गिन रहा है? चल चला दे। अरे मेरे पास क्या है यहाँ जो चला दूँ? अपने ऊपर देख, देख पप्पू। ऊपर? ये ऊपर क्या है? ये क्या है, ये यहाँ किसने रखी? लॉजिक छोड़, ऑलरेडी 7 पूरे हो चुके हैं। 8। अबे चुप कर, क्या स्पीड में गिनती बोले जा रहा है? 1, 2, 3 के बाद सीधा 8 बोल रहा है, ये कौन सा तरीका है बे? 10 बोलने से पहले चला दे। अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो खुद ही सोच, क्या तू मुझे ब्लैकमेल कर पाता? अब तक तो मैं बाहर निकल चुका होता। तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है? बेवकूफ समझ रहा हूँ तो इस बात पे तू मेरा मर्डर कर देगा? अरे कोई तो पॉइंट होना चाहिए ना। तू शूट करता है या मुझे करना पड़ेगा? ना। अरे इसने तो ना भी बोल दिए। अरे तुम कहाँ छिपे बैठे हो, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है। 10। क्यों भाई,
तू बचाएगा या फिर मैं खुद ही जाऊं? 11 तक तो गिनती करेगा नहीं वो, बता ना क्या करूं मैं। ये क्या किया, उसे मार दिया? मार दिया, पर उसे क्यों मार दिया? उसकी जान से ज्यादा मुझे तेरी जान की जरूरत है पप्पू। लॉजिक तो अच्छा दे रहा है, तो नेक्स्ट बारी मेरी है क्या? 2 मिनट में तू स्टेट में फेमस होने वाला है। अरे आओ जल्दी 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 ओ सुन रहा है भाई, यहाँ तो बाहर मीडिया वाले आ गए। मैंने बोला ना पप्पू, तू बहुत फेमस होने वाला है। सिंगापुर कॉलोनी में पब्लिक टेलीफोन बूथ में एक इंसान घंटों से बात कर रहा है, ये पता चला है। वो कौन है उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। वो टेररिस्ट है या माफिया गैंग का मेंबर? हाँ सौम्या, आप देख सकते हैं कि यहाँ टेलीफोन बूथ के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास एक रिवॉल्वर भी है। और इतना ही नहीं, टेलीफोन बूथ में एक क्रिमिनल खड़ा भी है। उसे ध्यान से देखें तो लगता है कि वो किसी गैंग का मेंबर है। यहाँ खड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह ही ये सब हुआ, इसका कारण क्या है ये किसी को कुछ पता नहीं और पुलिस का भी कोई अता पता नहीं। ये ले भाई, यहाँ तो पुलिस वाले भी आ गए। नमस्ते सर। टेलीफोन बूथ वाले के बारे में ये सब जानता क्या जानता है? पूछ रहा हूँ ना। हाँ बोल। रोज इस बूथ पर आते हैं और पता नहीं किससे लगभग 1 घंटे तक बात करते रहते हैं सर, लेकिन आज सर ऐसा हो जाएगा मालूम नहीं था। उसे देख कर लगता है उसके पास सेलफोन भी होना चाहिए। आजकल तो रिक्शे वाले भी फोन रखते हैं। पब्लिक बूथ से फोन कर रहा है, इसका मतलब जरूर ये कोई क्रिमिनल ही है। मिस्टर चुपचाप बूथ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ। मैं 1, 2, 3, 4 गिनती नहीं गिनूंगा। मैं भी नहीं गिनूंगा। डायरेक्ट इनकाउंटर, बाहर आ जा। ये क्या बोल रहा है? वो जो मरा वो 1 से 10 तक गिनती गिनने के बाद मार डालूंगा ऐसा बोल रहा था, लेकिन ये पुलिस वाला 1 भी नहीं गिन रहा है, सीधा एनकाउंटर करने की बात कर रहा है। पुलिस वालों को उनकी ड्यूटी करने दो। अच्छा मतलब उन्हें तो उनकी ड्यूटी करने दो। मैंने क्या को मर्डर किया? मर्डर किया तुमने, तुम्हें उन्हें पकड़ना चाहिए। मैंने क्या किया, वो मेरे पीछे क्यों पड़े? हाथ उठा के बाहर आ जा। सुना ना, कह रहा हाथ उठा के बाहर आ जाओ। नहीं आऊंगा बोल दे। आएगा या मरेगा तू। अरे क्या है, सुना तुमने वो क्या बोल रहा है? पहले तू लगा, फिर वो लगा, अब पुलिस वाले पीछे लग गए। सबके सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े? मुझे फुटबॉल क्यों बना रखा है? बोल, नजदीक आए तो ब्लास्ट हो जाएगा। किसको? उसको, पुलिस वाले को। तू पागल है या मैं पागल हूँ? बेकार बात कर रहा है, क्या लगा कि ब्लास्ट करूंगा? ब्लास्टिंग लगा रखी है। एक बार नीचे देख, वो टिफिन बॉक्स बाहर निकाल, उनको दिखाकर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोल। अरे वाह, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। ऐसा लगता है तू मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा, मुझे परमानेंट यहीं रखेगा। उसमें RDX है। RDX इसमें? डाउट है तो ओपन करके चेक कर ले। ऊपर हाथ डाला तो रिवॉल्वर निकली, नीचे हाथ डाला तो RDX बॉम्ब। क्या यार, ये टेलीफोन बूथ है या हथियारों की दुकान लगा रखी है? लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, नजदीक आएगा तो फेंक दूंगा ऐसे बोल। कम आउट। हे, पता है इसमें क्या है? मोतीचूर के लड्डू नहीं है, RDX बॉम्ब है। अरे ओ पुलिस वाले भाई, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसमें RDX रखा है। क्यों बे टकले, सुन रहा है ना सर? ये मुझे टकला बोल रहा है सर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि तू टकला है। अरे ओ टकले इधर देख, बिना बाल की दुकान। अगर इसको तेरे टकले पे दे मारा ना, तो तेरी खोपड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। उस आदमी के हाथ में RDX बॉम्ब दिख रहा yes. है। इससे पता चलता है कि वो 100% कोई टेररिस्ट ही है। उसकी हाइट काफी अच्छी है, रंग गोरा है और उसने दाढ़ी रखी हुई है। उसका पूरा हुलिया बिल्कुल एक टेररिस्ट जैसा ही है। क्या यार, ये जर्नलिस्ट है या सेडिस्ट है? मुझे ही टेररिस्ट बोल रही है। मेरी शक्ल सूरत टेररिस्ट जैसी है क्या? ऐसी दाढ़ी में क्या कोई टेररिस्ट हो जाता है? लगता है मैडम गलत समझ रही हैं। उनको नजदीक बुला,
और बोल, मैडम मैं टेरेस नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। गुड आइडिया बॉस। ओए पप्पू, मीडिया वाली है, इज्जत से बात करना। बॉस, इज्जत के बारे में मुझसे बात कर रहे हो? आई लव इंडिया, आई लव मीडिया, आई लव मैडम। नाउ आई विल कॉल मैडम। मैडम, इन सब में मुझे आप ही पसंद आई। आपके चैनल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कौन हूँ आपको पता नहीं है ना, तो मैं अपने बारे में पर्सनली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपको बता दूंगा, बाकी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो प्लीज आप आ जाइए और मेरा इंटरव्यू ले जाइए। ये क्या, ये मुझे बुला रहा है? क्या है ये, पर्सनल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग है? पिए सर, स्पॉट पे क्या हो रहा है जरा देखो। आ जाइए मैडम। मैडम संभल के। ओके मैडम, जरा संभल कर। अबे ओ मटका छाप टकले, तेरा टकला फोड़ दूंगा। आ जाइए मैडम, आइए ना। यस आइए, वेलकम, आ जाइए, जल्दी जल्दी अंदर आ जाइए, आइए। तेरी तो मैं क्या बोल रही थी मेरे बारे में तू? चुप 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 चुप। मैं टेररिस्ट हूँ क्या? कभी गोली खाई है क्या तूने? अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। गोरा होगा तो टेररिस्ट होगा, काला टेररिस्ट नहीं हो सकता। बिल्ली की दाढ़ी वाला टेररिस्ट होगा तो फिर कौन होगा? मेरा नाम है कृष्णा। मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही थी। मैं भी तो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि तू जर्नलिस्ट नहीं है और तू जर्नलिस्ट हो भी नहीं सकती। तू एक मौका परस्त क्रिमिनल है, एक करप्ट लड़की जो न्यूज बेचती है। नो 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 सर, आप ऐसा मत कहिए। आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं सबके सामने बोल दूंगी कि आप टेररिस्ट नहीं है। मैं अच्छा इंसान हूँ ये बोलेगी ना? ऐसे दाढ़ी रखने वाले भी अच्छे इंसान हो सकते हैं ये बोलना? डेफिनेटली बोलूंगी सर। सच बोल रही है? हाँ डेफिनेटली सर। तो जा। कब बोलूंगी? हे भगवान, अब बोलना। बोलूंगी तो भी खतरा है, नहीं बोलूंगी तो भी खतरा है। उनका नाम कृष्णा है और वो बहुत अच्छे इंसान है। इतने अच्छे इंसान से मैं आज तक नहीं मिली। मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे, एक भी गलत शब्द नहीं कहा और हमारी मातृभाषा हिंदी में ही बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझसे कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूँ मैडम, बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि मैं आप सबको ये बात बताऊं। ओके ना। बूथ में खड़ा व्यक्ति हवाला ब्रोकर कृष्णकांत, जो कि पप्पू के नाम से जाना जाता है। पप्पू, जिस चैनल ने तेरी बुराई की वही चैनल वाले तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्या बोल दिया उसने? अरे जरा चैनल लगा कर तो देख। मैं टीवी कैसे देखूं यहाँ? सर, यहाँ पे किसी फ्लैट में रहने वाले से अपना कृष्णा बात कर रहा है, शायद वो हमारे मैटर के बारे में ही बातें कर रहा है, ऐसा डाउट है सर। What is this मैडम? वो कोई अच्छा इंसान है क्या? बहुत संस्कारी है क्या? फिर आप उसका इतना गुणगान क्यों कर रही है मैडम? पूछने से पहले मैडम को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया ना सर, इसलिए। आपसे बिना पूछे एक एक्सक्लूसिव क्लू लेकर आई हूँ सर, देखिएगा। क्या है वो? देखिए सर, सर इसे मारने वाला वो टेलीफोन बूथ वाला लड़का नहीं है। हाँ। किसी ने छुपकर हाँ। शूट किया है उसे सर। यस यस या देखिए सर, सर उसकी पीठ पे बुलेट लगी है, हार्ट पर नहीं। जस्ट लुक एट दिस सर, जस्ट लुक एट दिस, देयर इज अ पॉइंट सर। हां यस यस, नाइस वन, कीप इट अप। या अबे ओ टकले, क्यों आगे चला रहा है रे? जान प्यारी नहीं है क्या? तेरे टकले पे बॉम्ब डाल दूंगा। बॉडी लेने के लिए आए थे, उड़ जाएंगे तेरे। बॉडी यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रहेगी तो बास आएगी ना, बास आएगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसे। डेड बॉडी है क्या? अच्छा हेल्थ खराब हो जाएगी, मुझे हेल्थ खराब नहीं करनी है। तू ले जा ए टकले, बॉडी उठा के ले जा। चल उठा। कर रहा है तू, पागल है क्या? धक्का क्यों मार रहे? पलट पलट इसे। बुलेट डायरेक्ट M1.07 कैलिबर 50 कैटिकल स्कोपिक स्नैपर राइफल,
ये वेपन यूज करने वाला कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट होगा या कोई मिलिट्री वाला, समझा क्या? आपको कैसे पता सर? हे तुम सर, इधर आओ। नमस्ते सर। क्या काम करते हो तुम? यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। ओके, कितने दिनों से? ये अपार्टमेंट बनने के पहले से हूँ सर। आसपास के फ्लैट्स की जानकारी है तुम्हारे पास? हाँ मालूम है सर। ओके गुड। अच्छा बताओ, उस सेवेंथ फ्लोर पे जो कर्टन वाला विंडो है वो बड़े से शीशे वाला? हाँ दिख रहा है सर। इसे दिख रहा है ना? क्यों दिख रहा है सर? वो शीशे वाला सर। वो किसका फ्लैट है? कोई रेड्डी साहब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो यहाँ पे नहीं, अमेरिका में रहते हैं सर। अभी वहाँ कौन है? उनकी फैमिली भी यहाँ पे नहीं रहती, घर बंद है, सभी लोग अमेरिका में हैं सर। सौम्या, अभी अभी पता चला है कि टेलीफोन बूथ में जो आदमी खड़ा था वो टेररिस्ट नहीं, हमारे भारत देश का ही है। तो भारत देश का ही है ना? Yes, I am an Indian. मैं इंडियन हूँ ये बोलने का हक सिर्फ एक देशभक्त को ही होता है। बस मैं अभी देशभक्ति हूँ। ऐसा क्या? पढ़ाई के वक्त मैंने देशभक्ति के बहुत गाने गाए थे। मैं नहीं मानता। नहीं मानता तो अभी इसी वक्त सैंपल के तौर पर देशभक्ति का एक गाना सुना सकता हूँ। सुनाना। ऐ मेरे वतन के लोगों, टटटा, जरा आंख में भर लो पानी, टटटा। ये देखो, यहाँ से ही शूट किया होगा। He took the shot from here. Yes sir. पर यहाँ कोई नहीं है। भाग गया यहाँ से। Let's move. फोन बूथ में खड़ा व्यक्ति किसी के साथ बात कर रहा है ये पता चला। वो आदमी कौन है? क्या हवाला के साथ इसका कोई संबंध है? कृष्णकांत से इसका क्या संबंध है? और वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। जाया हे, जाया हे। कहो कैसी लगी मेरी देशभक्ति? तेरे सॉन्ग में तो देशभक्ति है, लेकिन तेरे मन में देशभक्ति नहीं है। ये कैसे बोल सकते हो तुम? क्योंकि तेरी आंखों के सामने कोई सीबीआई ऑफिसर को मारता है और तू कुछ नहीं बोलता, ताकि तेरा हवाला ब्रोकर का काम बंद ना हो जाए। पप्पू, तुम हो कौन? देश ने मेरे लिए क्या किया ये सोचने से ज्यादा देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचने वाला एक साधारण भारतीय हूँ मैं। तू अगर चेंज हुआ तो इसी में तेरी भलाई है। चेंज नहीं होगा तो पब्लिक बूथ में ही सड़ सड़ के मर जाएगा पप्पू। नहीं बोलूंगा, मरने तक नहीं बोलूंगा। लाइफ लॉन्ग इसी टेलीफोन बूथ में रहूंगा। यहाँ पे मैं सूसू तो कर ही चुका हूँ,
अब टॉयलेट करने भी यहीं बैठ जाऊंगा, पर किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, और ये बदबू बढ़ेगी तो भी क्या। ये देखो रिवॉल्वर, इसी से मैं अपने आप को शूट कर लूंगा, पर सच्चाई क्या ये नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। छोटी छोटी बातों पर तू चिल्लाता है, तेरा बीपी हाई हो जाता है। तुझे खुशी से जीना नहीं आता क्या? क्यों नहीं आता है, तुझसे कहीं ज्यादा हैप्पी हूँ मैं, तुझसे कहीं ज्यादा एंजॉय करता हूँ। इतना करने से एंजॉय नहीं होता पप्पू। तो फिर क्या करने से एंजॉय होता है बोलना? अच्छे से रोमांस करना और मास डांस करना। बिल्कुल करता हूँ मैं, मेरी शक्ल देखकर, मेरी दाढ़ी देखकर लोग समझते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ, पर उन्हें मेरी सच्चाई का क्या पता। आई एम नॉट अ सिक मैन, आई एम ए रोमांटिक पर्सन। तेरे सेलफोन की रिंगटोन क्या है पप्पू? फिल्म दबंग, सुपर रोमांटिक सॉन्ग, मुन्नी बदनाम हुई। बहुत बढ़िया, वही गाना तो अपने पागलपन में गा। यस, मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई। थोड़ा पागल है तू। थोड़ा नहीं, थोड़े से थोड़ा। ठीक है फिर डांस कर। क्यों करूं मैं? डांस करेगा तो फोन रखकर तू खुशी से जा सकता है। सच में? यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉस, लेकिन मेरी यहाँ कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। बाहर देख तो सही। मुन्नी बदनाम हुई। डाउन पप्पू डाउन, वो तुझ पर फायर कर रहा है। ए, 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 नीचे नीचे, ए, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई है, अरे कहाँ जा रही तू, रुक। हाय, ये कैसी गर्लफ्रेंड थी, बुलेट से भी पहले भाग गई है। तो ये जर्नलिस्ट मुझे क्यों मार रहे हैं? वो जर्नलिस्ट नहीं है बे फूल। हा? उनका फेस देख तब पता चलेगा पप्पू। सर सर, ये तो हमारे मंत्री जी का प्राइवेट गनमैन है। अब सोच ले तेरा मर्डर करने का कौन प्लान कर रहा है। जिसे तू अपना गॉडफादर समझ रहा है ना, उसी ने तेरा स्केच किया। और एक शॉकिंग न्यूज बताऊं, थोड़ी देर बाद तेरे बीवी बच्चों को भी मार डालेंगे। ए, कौन है? सर, अगर मैं जी रहा हूं तो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए सर, अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा जीना बेकार होगा सर। उन्हें बचाओ सर। सर आपने मुझे दो बार बचाया है, एक बार मेरे बीवी बच्चों को भी बचा लो सर। आंसू सिर्फ तुझमें ही नहीं, देश की जनता में भी बहुत है। हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया जो गलत ढंग से कमाया हुआ है। 4 5 0 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
लेकर कौन सा बड़ा जनता के पैसे स्विस बैंक में जमा करवा रहा है? वो ब्लैक मनी किसका है पता है? माँ की छाती में दूध ना रहे तो डिब्बे के दूध के लिए बच्चे का रोते रहना, गटर के पास झोपड़ पट्टी में रह करके सिर्फ एक बार खाकर चार बार भूखे रहना, उन लोगों का है वो। वो तो बेचारे दरिद्रता में जीते रहते हैं। सोचा है कभी उन्हीं लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बिना सोचे तुम लोग खा जाते हैं? मिस्टर पप्पू, अपने देश में अकेले वेंकट ने ही 45,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में छुपाए हैं। और भी ऐसे कितने भ्रष्टाचारियों का पैसा स्विस बैंक में छुपा है पता है तुझे? 75,00,000 करोड़ रुपया। यू नो, ब्लैक मनी के मामले में इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है पप्पू।
200 साल तक हमारे देश पर राज्य करने वाले अंग्रेज अपने देश से 1,00,000 करोड़ रुपया लेकर गए हैं। देश की स्वतंत्रता के 70 साल बाद, सिर्फ 70 साल बाद भी भ्रष्टाचारियों के विदेशों में छुपाए हुए ब्लैक मनी का कैलकुलेशन भी कंप्यूटर के कैलकुलेटर पर पॉसिबल नहीं है। मैन पावर, माइंड पावर पर रहने वाला अपना देश मनी पावर में भी स्ट्रांग होता तो सारी दुनिया अपने देश के सामने घुटने टेकती। ऐसे देश को लूटने वाले देशद्रोहियों को तुम जैसे लोग मदद करते हैं और ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं। भारतवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं? वो पैसे वापस आने चाहिए। और ये सिर्फ कोई पैसों का मामला नहीं है पप्पू, बल्कि हमारे देश के भविष्य की बात है। इट इज फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। डोंट गेट एक्साइटेड, ओके? योर फैमिली सेफ नाउ। वो सेफ है सर, वो सच में सेफ है ना? थैंक यू सर, सर सर सर, थैंक यू वेरी मच सर, सर सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सेल फोन ऑन कर, वो पप्पी अपने बीवी बच्चों के लिए रख ले। ओके सर, ओके। बोलिए महालक्ष्मी। ऊपर वाले ने बचा लिया। क्या हुआ महालक्ष्मी? आपके फ्रेंड्स आए थे मुझे और मेरी बच्ची को मारने। वो कौन थे महालक्ष्मी? वही ड्राइवर, वो जो मिनिस्टर की गाड़ी में आता था आपको घर पर ड्रॉप करने के लिए, वही था। हेलो सर। नमस्ते सर। क्या नायडू, यहाँ पे क्यों, मिनिस्टर का काम करना छोड़ दिया? वही काम कर रहा हूँ सर। सर छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ सर। बोलो पप्पू। एक बार मैं मेरे पर्सनल सेल से बात करना चाहता हूँ सर। तो कर लो। थैंक यू सर। हेलो हेलो, जब फोन उठाया तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात करो ना, मैं कृष्णा बोल रहा हूं। बात नहीं करोगे क्या? तो ठीक है, मैं वन साइड ही बात करता हूं। आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो बताओ? तुम्हारा गन में नहीं था मुझे मारने? जवाब दे, बोल कुछ। रे लकवा मार गया क्या तुझे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बीवी बच्चों को मारने की कोशिश की। आई लव माई फैमिली, जवाब दे कभी ने। होम मिनिस्टर से बात कर रहे हो तुम बच्चे? क्यों बे, तू होम मिनिस्टर हो गया कमीने साले? मैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ मत भूल, हवाला ब्रोकर हूँ मैं। अगर मैंने मुंह खोला तो तू मर जाएगा। सर मेरा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर। कब मुझे कौन मार देगा कुछ पता नहीं है सर। सर एक बार मैं अपने बीवी बच्चों को देखना चाहता हूँ सर, सिर्फ एक बार बुलवा दीजिए सर। ऑलरेडी वो आ गए हैं। आ गए सर? कहाँ? डैडी, सुनिए जी डैडी। डैडी क्या हो गया? डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर? जेके बोलिए सर। तुम क्या हो, ये तुम्हें पता चला? मैंने ऐसा क्यों किया ये भी पता चला? अभी तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो टिफिन बॉक्स में आरडीएक्स नहीं है। मैं तुम पर से अपनी गन भी हटा रहा हूं, वो गन तुम्हारे निशाने पर थी ही नहीं। तुम डरो मत, अब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करो, जो भी फैसला करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन करने से पहले एक बार सोचना जरूर। ब्लैक मनी को रिटर्न लाकर देश का भला करोगे या फिर वेंकट जैसों के साथ काम करके देश को बर्बाद करना चाहोगे? तुम्हारी मर्जी। सर सर हम
उस कृष्णा की फैमिली को स्पॉट पे मरते हुए देखना चाहता हूं और लाइव देखना चाहता हूं। लक्ष्मी, हम चले जाएंगे, ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैं डिसाइड कर चुका हूं। ये कौन है यार? मुझे बचाने वाला इंसान भी इंडिया में मौजूद है। सर, हमने क्रिमिनल को ट्रेस कर लिया सर। सर, सर, मैं अपने जीवन में सिर्फ दो ही लोगों का ऋणी रहूंगा, सिर्फ दो लोगों का। किस किस का? मुझे टेलीफोन बूथ में खड़ा करके मुझे मारे बिना चिल्लाए बिना मुझे एक अच्छा इंसान बनाने वाले एक महानुभाव का, और दूसरे आप, जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे और मेरे परिवार को बचाया। मैं कर्जदार रहूंगा सर आपका। नो, सिर्फ एक कर्ज रहेगा तुम पर। वो क्या है सर? यही वो था, वही ये है। कौन कौन है सर? हेलो मीडिया, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृष्णकांत, मैं एक हवाला ब्रोकर हूं। इस राज्य से 4 से 5 हजार का ब्लैक अमाउंट मैंने बैंकों में छुपा के रखा हुआ है। वो पैसा राज्य के नामी मंत्रियों का है, वेंकट राव जी का है।
बाप जी का है, मोहन जी का है। इस ब्लैक मनी घोटाले के हवाले में मुझे बचाने के लिए मंत्री वेंकटराव जी ने सीबीआई ऑफिसर का भी मर्डर करवाया। यू आर अंडर अरेस्ट। एम्बुलेंस से जब्त हुए वो 500 करोड़ रुपए राज्य के मंत्री बाप जी के हैं, मोहन जी के हैं। उन पैसों से हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं। उस ड्राइवर को यह कहा गया था कि वो ये बयान दे कि वो पैसा मुख्यमंत्री जी का है और यह षड्यंत्र वेंकटराव जी का था। सर, मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटा मोटा हवाला ब्रोकर हूं सर, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं सर। मुझे किसी जेल में भेजने की बजाय सिंपल से दो चार चांटे मार के छोड़ दीजिए। मैं सुधर गया हूं सर, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूं। यहां पर सारे सबूत मौजूद हैं। 45,000 करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी है उसे जल्दी ही देश में लाकर जनता के विकास के कार्यों में खर्च किए जाएंगे। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, ये जानने के बाद भी एक ड्राइवर के इतना कहने पर कि वो पैसा मेरा है और उसका मालिक सीएम यानी मैं हूँ, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीआरपी हासिल करने के लिए आप लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंके। आप मीडिया वालों को आखिर ये हो क्या गया है? बिना सच्चाई की तह तक गए आप लोग किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अगर मैं आप लोगों के ऊपर मान हानि का दावा कर दूं तो पहले आप लोग किसी इंसान को अच्छा बताते हो, फिर उसी की क्रिटिक करके ब्रेकिंग न्यूज बनाते हो। जो जख्म आपने मुझे दिए हैं उस लायक मैं था क्या? मैं मीडिया वालों से सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं, किसी भी पार्टी का गुलाम मत बनिए, जनता के साथ मित्र बनकर रहिए, रूलिंग पार्टी की गलतियों को सबके सामने लाइए, तभी आप सबके प्रति जनता में विश्वास बढ़ेगा। आज की तारीख में नेता लोग और ये मीडिया वाले सीता और राम के जैसे आदर्श वाले लोग नहीं है जो सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देकर खुद को निर्दोष साबित करे। ऐसा आज के युग में संभव नहीं है, बल्कि ऐसे ऑपरेशन से खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है और अशोक जैसे ऑफिसर की मदद लेनी पड़ती है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर। अशोक कौन है ये आप लोगों को बताया नहीं ना मैंने? ही इज अवर सीबीआई ऑफिसर।